जोहार, जय मूल निवासी, मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आठ पुलिसकर्मियों का हत्यारा आतंकी विकास दुबे शुक्रवार को पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हालांकि उसके इनकाउंटर के बाद अब यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे इस इनकाउंटर को फेक करार दिया जा सकता है। विकास दुबे की मौत के बाद उसके पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और बड़े राजनेताओं से संबंधों के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। देश के जाने माने लोगों का मानना है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद विकास दुबे विधायकों के नाम बता रहा है जिनके साथ उसके संबंध थे। अब विकास दुबे की मौत के साथ ही उसकी मदद करने वाले नेताओं और पुलिस वालों के राज भी दफन हो गए। विकास दुबे के सीने में कुछ ऐसे राज दफन थे जिसके उजागर होने से कई चैन की नींद नहीं ले पाते, इन लोगों के चेहरे से नकाब हट जाते। विकास दुबे के मरते ही अब वे चैन की नींद सो रहे होंगे। विकास दुबे के जीवित रहते वह शायद कुछ दिनों से सो भी न पाए होंगे। विकास दुबे के इनकाउंटर पर कई जाने माने लोग सवाल उठा रहे हैं जिसमें पत्रकार पूर्व अधिकारी शामिल हैं। बहुत सारे लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि विकास दुबे के इनकाउंटर में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उज्जैन के एसपी रुपेश द्विवेदी के एक वीडियो ने खलबली मचा दी है। थाना महाकाल मंदिर से उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उनको जब पूछा गया कि क्या विकास दुबे सुबह तक कानपुर पहुंच जाएगा, इसके जवाब में वे कहते हैं आई विश ना पहुंचे। किस तरह से एक बड़ा ऑफिसर यह कहता सुनाई दिया कि आई विश ना पहुंचे, यानी ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिनका विकास दुबे के कानपुर पहुँचने से खुलासा हो सकता है। माफियाओं और गुंडों को संरक्षण देने वालों के चेहरे से नकाब हट सकते हैं। देश के जाने माने वकील, पत्रकार, कवि और आईएएस आईपीएस समेत ऐसे भी कुछ चेहरे हैं जिन्होंने इस इनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। सूर्य प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश में आईएएस रहे हैं, उन्होंने जय वाजपेयी की तस्वीर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी के साथ तथा तत्कालीन एसपी के तस्वीर के साथ डाली है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर पूरा गृह विभाग उनके साथ खड़ा हो गया तो दरिंदा गिरफ्तार कैसे होगा। सूर्य प्रताप सिंह ने सवाल उठाया कि जय वाजपेयी ही इन सारी चीज़ों का जवाब दे सकता है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जय वाजपेयी बता सकता है कि पूरे मामले का काला चिट्ठा क्या है, लेकिन देखिएगा कहीं जय वाजपेयी की सड़क दुर्घटना में मौत ना हो जाए। पत्रकार आशुतोष का कहना है कि अगर विकास दुबे जिंदा रहता तो यूपी के नेता जीते जी मर जाते। उन्होंने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कही। विकास दुबे की कानपुर ले जाने को लेकर उज्जैन में कहा जा रहा था उसे बाय रोड नहीं ले जाया जाएगा बल्कि चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाएगा ताकि कुछ ना हो। उसके बावजूद चार्टर्ड प्लेन की जगह बाय रोड ले जाया गया। वह बाय रोड सफारी में था। गाड़ी पलटने से पहले फॉलो अप लेने वाले मीडिया कर्मी के गाड़ी को थोड़ी दूरी पर रोक दिया गया ताकि कोई रिकॉर्ड या चश्मदीद गवाह न बन सके। उसके बाद गाड़ी पलटती है। गाड़ी जहां पलटती है वहां कीचड़ है, लेकिन विकास दुबे के कपड़ों पर कोई कीचड़ नहीं है। जबकि कहा यह गया कि वह भाग रहा था, भागा तो कीचड़ क्यों नहीं है। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने इस घटना के चश्मदीद गवाह से न्यूज एजेंसी ANI ने बात की तो चश्मदीद ने बताया कि उसने सिर्फ गोली लगने की आवाज़ सुनी थी। गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर पूछने पर उसने कहा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, देखने आने पर पुलिस ने उसे घटनास्थल से भगा दिया। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कथित मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल जितेंद्र पाल सिंह के 56 वर्षीय पिता तीर्थ पाल सिंह ने कहा विकास दुबे की हत्या के साथ ही बहुत सारे रहस्य उनके साथ चले गए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे के सभी समर्थकों की पहचान करनी चाहिए थी। राजनेताओं के साथ गैंगस्टर का समर्थन करने वाले कई बड़े लोग शामिल थे। वहीं कांस्टेबल सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला ने कहा मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अब यह कभी सामने नहीं आ पाएगा कि कौन लोग उसका सहयोग कर रहे थे।